अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ख्वाब के अंदर मुर्दे का कुछ मांगना या मुर्दे को कुछ देना, इस ख्वाब की ताबीर क्या बनती है? बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है। मौलाना साहिब, रात को मेरे मरहूम वालिद मेरे ख्वाब में आए, मेरी मरहूम वालदा मेरे ख्वाब में आई, मेरी मरहूम बहन मेरे ख्वाब में आई, वो मुझसे फलां चीज़ मांग रहे थे, मुझसे रोटी मांग रहे थे, मुझसे पानी मांग रहे थे, इस ख्वाब की ताबीर क्या बनती है? तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने मुर्दे को कुछ दिया है इसकी ताबीर क्या है, अगर मुर्दे से कुछ लिया है ठीक है ना, इसकी ताबीर क्या है ठीक है ना। तो ये आज इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसी ताबीर के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, मैं अक्सर बात कर चुका हूँ, ख्वाब की ताबीर बताई जाती है जिसको ख्वाब नज़र आया है उसके अहवाल को जानकर और मरने वाले के अहवाल को जानकर फिर उसके बाद उस ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। लेकिन इस ख्वाब की अच्छी ताबीर क्या है आज मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, अगर किसी शख्स ने ये देखा है, उसके कोई भी रिश्तेदार, उसके वालिद वालदा बहन भाई कोई भी आए हैं, उसने आकर उससे कोई चीज़ मांगी है कि भाई मुझे फलां चीज़ दे दो, बेटा मुझे रोटी दे दो, बेटा मुझे चावल दे दो, बेटा मुझे फलां फलां चीज़ दे दो, अगर कोई चीज़ मांगता है, मांगने में सारी चीज़ें आ जाती है। अच्छी ताबीर इसकी ये है कि वो आपसे ईसाले सवाब का मुतमन्नी है, वो ये चाहता है कि आप उसके लिए ईसाले सवाब करें, आप ईसाले सवाब के अंदर उसमें उसके लिए दुआ के अंदर मोहताज, वो आपका मोहताज है, आप इसमें कमी कोताही कर रहे हैं, आप इसमें कमी कोताही कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब बंदा मर जाता है, जब वो आखिरत में होता है, तो वो उसकी मिसाल ऐसे जैसे कि वो पानी में तैर रहा है ठीक है ना, पानी में तैर रहा है ठीक है ना। अब जब कोई ईसाले सवाब करता है तो वो किनारे पर आ जाता है। तो ईसाले सवाब हमें करते रहना चाहिए, इंसान को जितना हो सके अल्लाह के लिए अपने अजीज़ों के ईसाले सवाब करते रहे। वो हमारे पैसे के माल के मोहताज नहीं है, वो हमारे कुरान पाक पढ़ने के मोहताज है ठीक है ना। उनके लिए जितना हो सके ईसाले सवाब करें वो। अगर तो वो आपसे कुछ मांग रहा है, वो आपसे ये तमन्ना कर रहा है कि भाई मुझे पढ़ कर बख्शो, मैं तुम्हारा वालिद हूँ तुम्हारे लिए इतना कुछ करके, मैं तुम्हारी वालदा हूँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ करके आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए रातों को जागते रही, कुछ करो मेरे लिए, उनकी कब्र पर जाए उनके लिए साले सवाब करें, ये एक ताबीर है इसकी। अगर आपको ये देखा कि मैं आपने मुर्दे को खुद ब खुद कुछ दिया है, उसने आपसे मांगा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो उसके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, जो कुरान पाक पढ़कर बख्श रहे हैं, जो उसके लिए सदका खैरात कर रहे हैं, वो उस तक प्रॉपर पहुँच रहा है, ये इसकी अच्छी ताबीर है। तो बहरहाल, अब आपको कोई ख्वाब आया है, ये तो आपके हालात को पहचान कर, आपके वाकयात को सुनकर, मैयत के फिर उसके बाद बताई जाएगी, बट अच्छे ख्वाब की ताबीर ये है। कोई भी ख्वाब आए, अक्सर वीडियो में कहा करता हूँ, आपने करना क्या है, आपने उल्टी साइड पर मुँह करके 3 दफ़ा आउज़ बिल्ला पढ़नी है, थू थू कर देना है, और ख्वाब किसी के सामने जिक्र मई नहीं करना, तो वो और सदका खैरात कर देना, सिर्फ ये काम कर ले तो वो ख्वाब आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता ठीक है ना। ये काम कर ले बस आप, और कभी किसी के सामने जिक्र मत करें, सिर्फ अहले इल्म के सामने जिक्र करें। ये थी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।